मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। पिछले एपिसोड में हमने योजीरो के आंखों की गुस्ताखियां देखी और रेसुको अपनी कामयाबी की ओर एक कदम बढ़ाते। वो था एपिसोड 1 जो हो गया है बंद, ये है एपिसोड 2 जो हो रहा है शुरू। बाकी हनुमा द वॉरियर्स स्ट्रगल आर्क में आपका बहुत स्वागत है, चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेसु जो है टुकुर टुकुर देख रहा होता है लोगों को मुक्काबाजी करते हुए। अभी वहाँ पर जो पगडंडिया से आए हुए चाचा खड़े होते हैं वो रेसु से कहते हैं, हाँ बिठुआ बताओ का है। चाचा कहते हैं, तुम लौंडा मल्ला लड़ते देखने आए हो। रेसु कहता है, नहीं मैं ज्वाइन करने के लिए आया हूँ। अभी चाचा की नजर रेसु के कटे हुए लेग पर जाती है, वो कहते हैं, अरे बिटवा ये तुम का कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने आप को देखो। रेसु कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मेरा लेग नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये करना है, मैं आप जैसा एक कोच चाहता हूँ। चाचा कहते हैं, एक लेग में ये नहीं हो पाएगा, तुम पगडंडिया से नहीं हो ना। यार मैं चाहता हूँ आप मुझे नॉर्मल जैसी ट्रेनिंग दे, मैं बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करूंगा कि मेरा एक लेग नहीं है। अभी चाचा थोड़ा सा सोचते हैं, इमली होती तो का करती। अच्छा चलो जुतवा उतारो अंदर आओ वरना गंदा हो जाएगा, अभी साफ करे हैं। यहाँ आओ, ये देखो ये जो लटक रहा है इका एकदम पूरा ताकत से मारो जैसे इमली मारत रही बचपन में। अभी रेसु कहता है, सुनिए ये मुझसे टूट जाएगा तो आप नया खरीद लेंगे ना आसानी से। चाचा एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं, ए बिटुआ तुम ज्यादा गंजा मिला ले काज, खैर ठीक है तुम इला फाड़ दे और हम तुमको पर्सनल ट्रेनिंग देंगे। ठीक है आपने जो कहा याद रखना। तो पैसे बर्बाद यहाँ पर। यहाँ पर जो भी माल पानी होता है उस पंचिंग बैग के अंदर वो यहाँ वहाँ पूरा फैल जाता है उस क्लब में। यहाँ पर जो है एकदम चाचा चौंक जाते हैं देखकर, वो कहते हैं इसकी मैया का। सीन चेंज होता है HOTEL हॉस्पिटल में। टोकुगावा खून की उल्टी करने के बाद भर्ती हो गए होते हैं और यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके वहाँ के खोलते हैं। उनका आदमी कहता है, अरे वाह बॉस आप टूट गए, वरना आपका अंगूठा लगा के मैं तो आपकी संपत्ति हड़पने ही वाला था। और तभी हम देखते हैं हमारे डॉक्टर कुरिया शिनोगी वहाँ पर आ जाते हैं और देखने लगते हैं टोकुगावा के मेडिकल रिपोर्ट्स। वो टोकुगावा से कहते हैं, मुझे लगता है आपको थोड़ी सी आराम की जरूरत है। अभी टोकुगावा कहते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा सपना पूरा हो जाए इससे पहले कि ये दुनिया में छोड़ दूं। बस मैं अपने सपने को पूरा होते देखना चाहता हूँ। तभी कुरिया शिनोगी रिपोर्ट देखकर बताते हैं, मुझे तो लगता है आप जी सकते हैं, आपका सपना हो सकता है पूरा। फिजिकल पावर आपके फाइनेंशियल पावर वगैरह को देखकर मैं कह सकता हूँ कि आप जी सकते हैं। टोकुगावा कहते हैं, दिन महीने साल जितने भी हो मैं बस एक साल तक तो जीना ही चाहता हूँ मैक्सिमम। और यहाँ पर जो है कुरिया शिनोगी बताने लगते हैं उनके मेडिकल कंडीशन के बारे में उन्हें, लेकिन तभी वो उनके बात को बीच में ही काट देते हैं और अपने नौकर पांडू को बुलाकर उसके कान में धीरे धीरे कुछ कहने लगते हैं और वो हाँ सर जी सर ओके सर यस सर ऐसे करता रहता है। इससे पहले कि कुरिया उनके बीच कुछ कहे वो एकदम जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है गंवाने के लिए, जल्दी जल्दी सारे अरेंजमेंट्स करो जो भी मैंने कहे हैं तुमसे। और तभी सीन वापस आता है उसी बॉक्सिंग क्लब में। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग एकदम रिपोर्टर वगैरह आए होते हैं। यहाँ पर एक बॉक्सर बैठा हुआ होता है जो कि सुल्तान देखने के बाद बॉक्सर बना होता है, सलमान भोई की। वो कहता है, ब्ला 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 फर्स्ट राउंड हिट, ब्ला 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 जीतना, ब्ला 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 और जीतना, ब्ला 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 लगातार जीतना। यहाँ पर जो है इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो थोड़ा चुनरी की तरह लहरा रहा होता है रिंग में, थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी उसका ध्यान जाता है उस पंचिंग बैग में जिसे कि रेसु ने फाड़ दिया था। वो कहता है उस छेद को देखकर, इस छेद को तो देखकर मुझे मेरे एक्स की याद आ रही है, खैर ये किसने किया है। वो चाचा के पास जाकर कहता है, कौन है वो छेदी लाल मुझे बताओ। चाचा कहता है, वो रहा वो छेदी सिंह मिररवा के सामने खड़ा है। रेसु जो है एकदम ध्यान लगाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है वहाँ पर बॉक्सिंग की। और यहाँ पर जो बॉक्सर है वो रेसु के हाथ और बॉडी वगैरह को देखकर कहता है, ओह लगता है सनी का फैन है, देवल देवल। वो प्रो बॉक्सर तभी चाचा से कहता है, इससे कहो मैं इससे लड़ना चाहता हूँ। रेसु को तुरंत ही वहाँ पर बुलाकर बताया जाता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। वो शुरू में तो मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस प्रो बॉक्सर को देखता है वो कहता है, मैं नहीं लड़ना चाहता, ये बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इसके लिए मुझे पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी मेरी, और अगर मैंने कर दी तो इसका नितंब फट जाएगा। तो इसी नितंब फाड़ एंडिंग के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है।
ये तो बस शुरुआत है बाद में। खैर ये जो है अभी बस शुरुआत ही है, आगे चल के ये मांगा कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मेरा भरोसा कीजिए मजा आ जाएगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम आगे भी और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।